मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूद लोगों की आंखें उस समय नम हो गईं जब एक माँ अपने नवजात बच्चे के शव को लेकर रोती बिलखती न्याय की गुहार लगा रही थी। दरअसल विवाहिता का आरोप था कि उसके नवजात शिशु की ससुराली जनों की लापरवाही के चलते तांत्रिक विद्या के चलते मौत हो गई। पीड़िता अंजलि ने बताया कि उसका ससुराल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत होली गेट स्थित नाई की गली में है, जहां उसकी सास सौतेले होने के चलते उसे आए दिन दहेज की खातिर ताने देती थी और उसके साथ मारपीट करती थी। जब उसका पति विवेक अपनी पत्नी अंजलि का सपोर्ट करता था तो उसकी सौतेली माँ उसके साथ भी मारपीट करती और अभद्रता करती थी। हालांकि अभी तकरीबन एक माह पहले उसे एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन ठीक प्रकार से देखभाल न होने के चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मायके वालों ने उसे उपचार के लिए वृंदावन के रामकिशन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। यहाँ उनका बच्चा ठीक था। वहीं अब उनका आरोप है कि बुधवार की देर शाम उसके ससुर के साथ तीन व्यक्ति आए, जिसमें से एक व्यक्ति ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और वो चारों अंदर चले गए। इसी दौरान उनके बच्चे की मौत हो गई। एक मिनट चुप। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक विवेक जी कौन है आपकी? जिम्मी भाई से। क्या घटना हुई है बात करें? सर ये मेरे घर वाले काफ़ी परेशान करते हैं, यहाँ रहते थे काफ़ी परेशान करते हैं। हॉस्पिटल में भी अभी भर्ती रही है तो देखने जाते हैं तो देखने के लिए लड़ते लड़ाई वगैरह करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। कल भी ये गए थे चार पाँच जने तो मारने की धमकी दिया कि घर में आना तो घर में नहीं घुसने देंगे। जो उठते हैं सर हमारी दूसरी माँ है तो हमें घर में रहने नहीं, शुरू से नहीं रहने दे रहे। अभी हम चार पाँच महीने अभी दिवाली से पहले आए हैं तो काफ़ी परेशान करते हैं, हर एक चीज़ में लड़ना कर और कहते ही मारा पीटी चालू करवाते हैं उनसे पिताजी से। कल रात में यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, वृंदावन की कह रहे हैं वृंदावन जा रहे हैं मथुरा में कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं हुई, यहाँ दो ढाई तीन घंटे से करीब हो गया। वहीं पीड़ित बहन के भाई का कहना है कि उनकी बहन के ससुर ने उनके बेटे की हत्या की है, जिसके बाद पीड़ित माँ अपने एक महीने के बच्चे के शव को लेकर मथुरा की थाना कोतवाली में पिछले चार घंटे से बैठी हुई है, लेकिन वहाँ उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर कई घंटे बाद मथुरा के कोतवाल पहुँचे तो उन्होंने वहाँ से उन सभी को टरका दिया और वृंदावन कोतवाली जाकर शिकायत दर्ज कराने की कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अंकित। अंकित जी कौन है, क्या घटना हुई है? मेरी सिस्टर है ये। इनके ससुराल वाले इन पे मारपीट करते हैं, घर से निकालने की धमकी देते हैं और कल इनका बच्चा भर्ती था काले बाबू हॉस्पिटल में तो चार पांच आदमी कल गए हैं वहाँ पर और उन्होंने डॉक्टर के कपड़े पहन के भी अंदर घुसने की एंट्री करी है। कल बच्चे को पता नहीं क्या किया, तांत्रिक विद्या द्वारा किया है कैसे किया है, वहाँ बच्चा आज एक्सपायर हो गया है। हाँ कोतवाली आए, कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं है। हम दो घंटे से बैठे हैं, बोल रहे हैं वृंदावन जाइए, वृंदावन में कंप्लेन कराइए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे को हम डेड बॉडी को लेके इधर से उधर ही घूमते रहे, क्या करें हम दो ढाई घंटे से अटक रहे हैं। बच्चे की डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में। हालांकि फिर एक बार मायूस होकर पूरा परिवार मायूस बच्चे के शव को लेकर वृंदावन कोतवाली जाने के लिए निकल गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।